फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपका टोटल हम यदि एनालिसिस करें तो 10 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों को क्या पूछा जाता है, मैं सीधे तौर पर आपसे बता देना चाहता हूँ। पीएच से रिलेटेड दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको बताना रहता है कि क्या एसिड है, क्या बेस है और कौन सा जो सोल्यूशन है आपका वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा आप पीएच के बारे में जान जाइए, फिर से जो है आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पीएच निकालने का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बेस 10 आपका होता है और यहां पे आपका एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले के द्वारा आप पीएच निकाल सकते हैं। पीएच के संदर्भ में हमेशा याद रखिएगा कि यदि पीएच आपका 7 से कम रहेगा, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा आपका ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यदि आपका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा ये आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, और यदि पीएच 7 रहेगा मतलब कि यह वाटर है और यह एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। और किसी भी विलयन में यदि पीएच के मान होती, जो पीएच होता है और जो आपका पीओएच होता है, इसको यदि हम दोस्तों ऐड करते हैं तो ये आता है 14 के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विलयन में पीएच का मान 7 है, क्वेश्चन में दे दिया है कि विलयन में आपका पीएच का मान 7 है तो पीओएच का मान क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले से जाना है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू आपका क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। तो पीएच की वैल्यू आपका कितनी दे दी, पीएच की वैल्यू आपका दे दी कि 7 है, तो 7 प्लस पीओएच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, सॉरी एक आपका होता है कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन में पीएच और पीओएच की जो वैल्यू होती है उसको ऐड कर देंगे तो 14 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी यदि हम पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा आपका 14। तो मैंने यहां पर लिख दिया पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, हमने लिख दिया यहां पर 14। तो पीएच की वैल्यू आपकी 7 है, तो पीओएच की वैल्यू जब निकालेंगे तो पीओएच की जो वैल्यू होगी वो 14 में से माइनस हो जाएगी, तो 14 माइनस 7 आपका हो जाएगा ऑलरेडी 7, यानी कि पीओएच की जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 7 हो जाएगी। तो दिए गए विलयन में पीओएच का मान हम सिंपली लिख सकते हैं कि 7 है, ठीक है। अब जो है एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जिसमें आप लोगों का पीएच मान दे देता है। देखिए, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है पीएच का। पीएच का फॉर्मूला ये होता है आपका कि माइनस लॉग बेस 10 इसका होता है और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में या तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा जा सकता है और पीएच दिया जा सकता है, या फिर आपसे पीएच पूछा जा सकता है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया आपका जो क्वेश्चन है इसमें पीएच की वैल्यू पूछ ली गई है, तो पीएच कितनी है आपकी, तो पीएच आपकी 6 है, तो पीएच की जगह पे हम 6 लिख लेते हैं और फिर यहां पर लिख लेते हैं हम माइनस लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करिए, ठीक है, मतलब कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना है। अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये माइनस लॉग जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका इस इज इक्वल टू के साइन इसके इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 6, ठीक है। अब यहां पर जब हम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁶, तो इसलिए जो फाइनल आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है आपका 1.0 × 10⁻⁶। और ये जो इसका जो इकाई होती है, ये इकाई होती है आपकी ग्राम आयतन प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो आपसे पीएच दिया रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा सकता है, या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया होगा तो आपसे पीएच पूछा जा सकता है। इन दोनों में से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से पूछा जा सकता है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं, और इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस ₹350 से भी आप लोगों की कम कर दी जाएगी। सेमेस्टर परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए जो है आप अपनी एक सीट अभी बुक करें क्रैश कोर्स में। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।